बात के दरमियान फ़र्क समझने के लिए नीचे दी गई तस्वीर को देखें और अपने साथी के साथ मिलकर हदायत पर अमल करें। टीचर इंक्वायरी ग्रुप या TIG से मुराद असातिज़ा का एक ऐसा ग्रुप जो एक साथ मिलकर काम कर सके। ये एक ऐसा मौका है जिससे अपने तजुर्बात, मालूमात, कामयाबियाँ, मुश्किलात और काम का तबादला ख्याल करके आप बेहतरीन उस्ताद बन सकते हैं। आप बताइए कि आप सोती आगाही के मुतालिक बच्चों को इस तसव्वुर के बारे में किस तरह पढ़ाते हैं? मैं अपने ग्रेड वन के बच्चों को पहले हरूफ तहज्जी पढ़ाती हूँ, फिर उनको जोड़ तोड़ की मदद से लफ्ज़ों की आवाज़ें सिखाती हूँ। मैं भी बिल्कुल इसी तरह पढ़ाती हूँ, बल्कि मैं बच्चों को कुछ चीज़ें भी देती हूँ जिनके हर TIG एक चक्कर या साइकिल पर मबनी है। आप महसूस करेंगे कि तबादला ख्याल यानी रिफ्लेक्शन और लर्निंग का अमल मीटिंग्स के दौरान ही पाया जाता है। अगली सरगर्मी हमें ये बताती है कि ये जो तस्वीर है ये परी की है। क्या आप ये बता सकते हैं कि पे कौन सी आवाज पैदा करता है? प। बहुत है। मीटिंग के दरमियानी औकात में आपको नई सरगर्मियों की मनसूबाबंदी करनी चाहिए और इसको अमल में भी लाना चाहिए। मीटिंग में तबादला ख्याल करते वक्त मयारी तालीम पर तवज्जो दें और इस बात पर तबसरा करें कि क्या वाकई हम अपनी प्रैक्टिस में इस बात का ख्याल रखते हैं या नहीं। अलग ये हम आवाज़ों के मुतालिक बात करते हैं, ना कि हरूफ के मुतालिक जिन्हें हम देख सकते हैं। इस TIG सेशन में असातिज़ा न सिर्फ इल्मुल अस्वात यानी फोनिक्स और सौती आगही यानी फोनिक अवेयरनेस के बारे में सीख रहे हैं बल्कि इनके दरमियान फर्क को पहचान रहे हैं। ताकि आप मजीद इस पर बात कर सकें। लेकिन आइए पहली मिसाल की तरफ चलते हैं। याद रखें कि इस सेशन में आप इस बात पर तवज्जो दें कि असातिज़ा एक दूसरे के साथ किस तरह के मामलात और रवैये का इजहार करते हैं। कितनी आवाजें सुन सकते हैं? इस लफ्ज में हम लोग 3 आवाजें सुन सकते हैं, बा, ता, ख, और ये सवाल आवाज को अलग करने में और बाहम मिलाने से मुतल्लिक है। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी सोचिए और बातचीत कीजिए कि ये आपके TIG मीटिंग से कितना मुख्तलिफ या मिलता जुलता है।